श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 सोमवार को मनाई जाएगी। हर वर्ष गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस पूर्णिमा का आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और वेद व्यास जयंती के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य गुरु का पूजन कर आशीर्वाद लेते हैं और गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि गुरु अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। सनातन धर्म में गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गुरु ही भगवान के बारे में बताते हैं और इनके बिना ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी का यह दुआ गुरु के प्रति सम्मान को व्यक्त करते हुए है। गुरु पूर्णिमा गुरु व शिष्य की परंपरा के लिए विशेष होता है। गुरु अपने ज्ञान से शिष्य को सही मार्ग पर ले जाते हैं और भगवान का साक्षात्कार करवाते हैं। इसलिए गुरुओं के सम्मान में हर वर्ष यह पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस दिन गाय की पूजा व सेवा और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं गुरु की पूजा करने से कुंडली में गुरु दोष समाप्त होता है। इस दिन अनेक मंदिरों और मठों में गुरु पूजा की जाती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा का प्रारंभ 2 जुलाई रात 8:21 पर और समापन 3 जुलाई शाम 5:08 पर है। गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और घर के पूजा घर में पूजा अर्चना कर गुरुओं की प्रतिमा पर माला अर्पित करें। इसके बाद गुरु के घर जाए और उनकी पूजा कर उपहार देते हुए आशीर्वाद ले। जिन लोगों के गुरु इस दुनिया में नहीं रहे, वे गुरु की चरण पादुका का पूजन करें। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरुओं के प्रति समर्पित होता है। शिष्य अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं। जिन लोगों के गुरु नहीं होते, वे अपने नए गुरु बनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।